नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है आर्टिकल 35A। हिंदी भाषा में समझाऊंगा, इस वजह से वीडियो को पूरा देखना सो दैट आप लोग सारी चीज़ें जान पाओ। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर तो करना ही, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस तरीके के और भी वीडियोस के लिए। हर भारतीय को आज की डेट में आर्टिकल 35A के बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ, रिसेंट का फोटो, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A को हटाने को लेकर इस तरीके से विद्रोह हो रहा है। अब बात ये आती है सबसे पहले तो ये जानो कि आर्टिकल 35A पर अचानक से बहस क्यों तेज हो गई, क्यों हर न्यूज़ चैनल पर आर्टिकल 35A के बारे में न्यूज़ आने लगी। तो ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें हुआ क्या था कि जम्मू कश्मीर को, सभी को पता है पूरे भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसको विशेष दर्जा दिया गया है। उस विशेष दर्जे के खिलाफ दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एक एनजीओ ने, जिसका नाम है वी द सिटीजन, ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में उनका कहना ये था कि जो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 35A और अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर को, वह भारत के अन्य नागरिकों के साथ में भेदभाव करता है। मतलब किसी एक राज्य को आप विशेष दर्जा दे दिया, उसको अलग से सुविधाएं सारी दे दी, सारी उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ में जो देश के और नागरिक हैं उनको वो सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही। यानी कि बाकी जो लोग हैं, बाकी नागरिकों के साथ में ये भेदभाव है। इस वजह से ये याचिका दायर की गई थी जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, यानी कि 6 अगस्त को उसका, 4 और 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर बंद किया था लोगों ने इसके प्रोटेस्ट में, 6 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अब उसको टाल दिया गया है 27 अगस्त तक। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि रिसेंट में न्यूज़ में क्यों था आर्टिकल 35A। अब हमें ये समझना है कि आर्टिकल 35A होता क्या है। उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं इसके बारे में। देखो हुआ क्या था, बहुत शॉर्टकट में ये चीज़ें समझाऊंगा। देखो हुआ क्या था कि जब भारत आज़ाद हो रहा था, उस समय जितनी भी भारत के अंदर रियासत होती थी, जिनको आज की डेट में हम स्टेट्स के नाम से जानते हैं, जैसे ये अलग रियासत, ये जो अलग अलग रियासतें थी, ये भारत में विलय होती जा रही थी। मतलब ये सभी भारत में जुड़ती जा रही थी सो दैट ये सब मिलकर भारत का निर्माण करें। लेकिन उस समय जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राजा थे, जिनका नाम था राजा हरी सिंह, तो राजा हरी सिंह जो थे वो जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे, उनकी इच्छा थी कि वो भारत के साथ में विलय नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद भी ना तो वो भारत के साथ में आना चाहते थे, ना ही वो पाकिस्तान के साथ में जाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट रहेगा और अलग से वो इंडिपेंडेंट राज करना चाहते थे। तो जब वो भारत के साथ भी नहीं आए और पाकिस्तान के भी साथ नहीं। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं अब अनअकैडमी पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे मेरे नाम यानी कि सौरभ गुप्ता नाम से सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑसम कोर्सेज देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर भी क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो उसी समय से जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में ये जो मामला है, ये डिस्प्यूट बना हुआ है। इसको और डिटेल में अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अब डायरेक्ट आते हैं कि आर्टिकल 35A होता क्या है, पूरा अब उसी पर फोकस होगा। देखो, आर्टिकल 35A क्या होता है कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 35A में जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। ठीक है, वो कौन कौन से विशेष अधिकार हैं जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिले हुए हैं, उनमें से सबसे पहला अधिकार देखते हैं। इस अनुच्छेद में ये लिखा है कि बाहरी राज्य के व्यक्तियों को वहाँ अचल संपत्तियों को खरीदने और उनका मालिकाना हक प्राप्त करने से रोकता है। यानी कि अगर आप भारत के किसी और राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप जम्मू कश्मीर में जाकर ना तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना वहाँ पर आप ज़मीन खरीद सकते हैं, ना तो किसी पहले से खरीदी हुई ज़मीन को आप उसके मालिकाना हक, ये भी आपको नहीं मिल सकता है।
केवल और केवल जम्मू कश्मीर में पैदा जन्मे लोग, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जिनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली हुई है, केवल उन्हीं लोगों को अधिकार है कि वो वहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं और उसका मालिकाना हक भी ले सकते हैं। ये अधिकार बाहर के किसी राज्य में नहीं है, जबकि बाकी पूरे भारत में क्या केस है कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, अपना मालिकाना हक जता सकते हैं। जैसा बहुत सारे लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मुंबई और दिल्ली में जाते हैं, वहाँ पर रोजगार हासिल करते हैं, और जब उनके पास में पैसा हो जाता है तो वहाँ पर वो एक घर बनाते हैं और वहीं पर मालिकाना हक बनाकर वहीं पर बस जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भारत के किसी भी कोने में जाकर जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, मालिकाना हक जता सकते हैं। तो ऐसा जो डुअल पॉलिसी यहाँ पर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं मिल रही हैं लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिल रही हैं, ये चीज़ एक डिस्प्यूट का कारण बना हुआ था। साथ ही साथ में कुछ और चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर आप कोई बाहरी पर्सन जाता है तो उसको वो वहाँ पर परमानेंट नहीं बस सकता, और साथ ही साथ में राज्य से जो मिलने वाली योजनाओं का लाभ है वो भी उसको नहीं दिया जा सकता। उन जो योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि सरकार चलाती है जिसका लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन वहां पर आप ये फायदा नहीं ले सकते। इसके अलावा और ये था कि जो अस्थायी नागरिक होगा, मतलब दूसरे स्टेट से गए होंगे, उन लोगों को वहाँ पर काम देने से भी मना कर दिया जाता है। इवन सरकारी नौकरी में तो आप बिल्कुल भी उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यानी कि जम्मू कश्मीर के अगर आप रहने वाले हैं तो ही आपको वहाँ पर सरकारी नौकरी मिलेगी, बाकी लोगों को वहाँ पर सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और ना तो उनको वहाँ पर काम करने के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ में इस जो 35 आर्टिकल है, 35A आर्टिकल है, उसमें जो स्थायी नागरिक, कौन कौन स्थायी नागरिक हो सकता है, इसको परिभाषित करने का भी वहाँ पर प्रावधान है। मतलब अपने हिसाब से वो परिभाषित कर सकते हैं कि कौन से लोग जम्मू कश्मीर के माने जाएंगे, कौन से लोग जम्मू कश्मीर के नहीं माने जाएंगे। तो इस आर्टिकल में अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसके तहत आपके माइंड में थोड़ी सी इमेज बन गई होगी कि आर्टिकल 35A में कौन से अधिकार हैं जो जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से मिले हुए हैं। बाकी तो इस पर वीडियो बहुत भी बड़ा बना जा सकता है, लेकिन कम शब्दों में मैं आपको ये समझाना चाहता था। इसके साथ ही साथ में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके अलावा, हाँ, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ महिलाओं ने भी एक पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो आर्टिकल है ये महिलाओं के अधिकार को भी हनन करता है। किस तरीके से करता है वो देखेंगे। वहाँ पर क्या है कि महिलाओं ने लिखा है कि ये लिंग आधारित भेदभाव का आरोप लगाया है। मतलब पुरुष के साथ में अलग रूल्स हैं और महिलाओं के लिए अलग रूल्स हैं। जैसे कि अगर कोई महिला का कहना, जम्मू कश्मीर में पैदा होने के बावजूद अगर वे बाहर के राज्य के पुरुष से शादी करती हैं, समझना ध्यान से, कोई अगर महिला है वो जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, लेकिन अगर उसने किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर ली तो फिर वो जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो प्रॉपर्टी खरीद सकती है और ना ही अपनी पुरानी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक जता सकती है। बहुत ही गलत बात है। साथ ही साथ में मान लीजिए वो उसी राज्य के पुरुष से शादी करती है तो सब कुछ ठीक रहेगा जैसा पहले था, लेकिन अगर बाहर के राज्य के बंदे से शादी करती है तो संपत्ति खरीद भी नहीं सकती है, मालिकाना हक भी खो देगी, साथ ही साथ में उसको जो पुश्तैनी संपत्ति मिलनी थी वो उसे अपने बच्चे को देने का अधिकार भी खत्म कर देगी। उसे तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ में उसके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा साथ ही साथ में अगर वो बाहर के युवक से शादी कर लेती हैं तो उनकी जो स्थायी नागरिकता है जम्मू कश्मीर की उसे भी खत्म कर दिया जाता है, और अगर स्थायी नागरिकता एक बार जम्मू कश्मीर की खत्म हो गई तो स्टेट की तरफ से मिलने वाले जितने भी विशेष अधिकार हैं वो आपको मिलने बंद हो जाएंगे। जबकि पुरुषों के साथ में ऐसा नहीं है, अगर वो किसी दूसरे स्टेट की लड़की से शादी करते हैं तो फिर उस लड़की को भी सारे अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन उस पुरुष के जो अधिकार थे वो उसको पहले से ही मिले रहेंगे। यानी कि इसमें महिला और पुरुष के हिसाब से भी भेदभाव किया गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्प्यूट बन गया है अभी हाल फिलहाल में। इसी वजह से इतना ज़्यादा न्यूज़ में ये चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई देने वाली थी। अब आते हैं बिल्कुल शुरुआत में, हिस्ट्री में।
कि ये सब जड़ कहाँ है इस पूरे का, जो ये आर्टिकल 35, ये सब जो जम्मू कश्मीर और भारत की जो इस समय डिस्प्यूट बना हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर ना तो भारत के साथ इस वजह से नहीं आना चाहता था क्योंकि वो कांग्रेस से, जो राजा थे हरी सिंह, वो कांग्रेस से थोड़ा चिढ़ते थे, और साथ ही साथ में पाकिस्तान के साथ इस वजह से नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो एक हिंदू राजा थे। उन्हें पता था कि अगर वो पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम देश है, उसके साथ जाएंगे तो हिंदू राजा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस वजह से वो अलग रहना चाहते थे। बाद में क्या हुआ था इसमें देखते हैं। हाँ, बाद में ये हुआ कि जब दोनों राज्य, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, तो अचानक से पाकिस्तान की मदद से कुछ घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, और वो राजा जो हरी सिंह थे, वो अपनी गद्दी खोने वाले थे। उसी दौरान उन्होंने क्या किया, भारत सरकार से सैन्य मदद मांगने का फैसला लिया, और भारत से उन्होंने मदद मांगी। जब उन्होंने भारत से मदद मांगी, तो उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने भारत को सलाह दी कि अगर आप मदद करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, तो क्यों ना इनसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा लें। इंस्ट्रूमेंट और ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। अब हरी सिंह के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें अपना राज्य बचाना भी था, और अगर वो भारत की मदद नहीं लेते हैं तो वो अपना राज्य खो देंगे, और अगर भारत की मदद लेना चाहते हैं तो उन्हें इस पर साइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने, राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, यानी कि अब पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर था, वह भारत का हिस्सा बन चुका था औपचारिक तौर से। जैसे ही भारत उसका हिस्सा बना, भारत ने अगले ही सुबह पूरी सेना को वहाँ पर भेजकर जम्मू कश्मीर पर जो दूसरे घुसपैठियों ने आक्रमण किया था, उन लोगों को खदेड़ कर बाहर भेज दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि डिस्प्यूट किस वजह से बना। देखो, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ एवरीथिंग फाइन था, लेकिन डिस्प्यूट ये बना कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, इस पर भी साइन करवाने होते हैं जिसमें सारी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन इस पर साइन नहीं हो पाए थे। उसी बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गया क्योंकि वहाँ पर जो जनमत थे, जो वहाँ के लोग थे, देखो वहाँ पर जो राजा उसके हिंदू थे और रहने वाले लोग सभी मुसलमान थे, तो मुस्लिम लोगों के मन में एक भावना आ गई कि वो हिंदू राज्य के साथ में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, एक उनकी माइंड में ऐसी बात आ गई। इस वजह से जो लोगों का जनमत होना था, जो लोगों में भारत के साथ मिलने के प्रति कुछ निगेटिव भावना फैल गई, जिसके लिए क्या हुआ कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो पर इस चीज़ को अनाउंस कर दिया था कि वो जनमत करवाएंगे। तो जनमत करवाएंगे तो वो मुद्दा वहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट का कारण बन गया, और वो मुद्दा वहाँ से फिसलते चला गया, जिसकी वजह से ये भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में ये डिस्प्यूट बना हुआ है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को जो भी समझाने की कोशिश करी है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।